तो हमें देखेंगे कि योनो में एसबीआई सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक प्ले स्टोर से योनो एसबीआई का बैंकिंग ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर्स। तो आप अगर पहले से आप एसबीआई में आपका अकाउंट है तो आप वहाँ से एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो मैं अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर करूँगा क्योंकि मुझे अभी न्यू अकाउंट ओपन करना है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं न्यू टू एसबीआई है, तो मैं इसे यहाँ पे फिर न्यू टू एसबीआई पे क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे हमें तो तीन ऑप्शंस मिलेंगे, ओपन सेविंग अकाउंट, होम लोन एंड कार लोन। तो मुझे अभी सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ओपन सेविंग अकाउंट। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आप ब्रांच विजिट करके ओपन करना चाहते हैं या विदाउट ब्रांच विजिट। तो अगर आप विदाउट ब्रांच विजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो KYC करना होगा, ठीक है। अगर आप ब्रांच विजिट करके करना चाहेंगे, KYC करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे विजिट करते हैं। मैं मुझे कोई ब्रांच विजिट नहीं करना, मैं वीडियो KYC करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अगर आप ब्रांच विजिट करके आप KYC करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो KYC करने में दिक्कत होती है तो आप सेकंड ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, पहले यहाँ पे दो ऑप्शन आते थे, इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट और एक और सेविंग अकाउंट होता था जो कि स्मॉल सेविंग अकाउंट होता था, यहाँ पे डिपॉजिट सेविंग अकाउंट, जो कि अभी ये ऑप्शन हटा दिया गया। तो आपके पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी देख रहा है कि रिज्यूम एप्लीकेशन, अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन किया है तो आपको वहाँ से एक टोकन नंबर जनरेट हुआ होगा, उस टोकन नंबर के थ्रू आप सेकंड ऑप्शन से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी पूरी फ्रेश अकाउंट है, कोई टोकन नंबर जनरेटेड नहीं है मेरे पास, तो मैं अभी फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करूँगा। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा है फुल KYC अकाउंट यूजिंग वीडियो कॉल, पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग, नो ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड, पर्सनलाइज रुपए, आपको रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड है जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शन है। आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन मोबाइल नंबर ये कंपलसरी है, विदाउट मोबाइल नंबर आप ओपन नहीं कर सकते। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। ओके, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आपको ईमेल आईडी पे और आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो उस ओटीपी को आप ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है आपको। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए तो कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। यहाँ पे प्लीज़ क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड, आपको जो योनो का पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड क्रिएट करना है आपको, दोनों में सेम पासवर्ड डालना है ऊपर और नीचे, ठीक है। और उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना पड़ेगा जो हिंट्स के लिए, अगर आप पासवर्ड बाय द वे भूल जाते हैं तो उस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप अपने पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं चलिए अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड डालना है, एक पासवर्ड बहुत ही सेंसिटिव डालना है, मतलब कि आपको ऐसे पासवर्ड डालना है जिसमें अपर केस और लोअर केस दोनों अल्फ़ाबेट का होना चाहिए और एक डिजिट भी होना चाहिए और साथ साथ स्पेशल कैरेक्टर भी, मतलब चार का कॉम्बिनेशन ही आपका पासवर्ड ये एक्सेप्ट करेगा, अदर भाई दूसरा पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ कंप्लीट द एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ इनिशिएशन, अदरवाइज डाटा एंटर्ड विल बी लॉस्ट। तो आपको 15 दिन के अंदर में आपका जो अकाउंट है वीडियो KYC कर लेना है, अगर नहीं करते हैं तो आपका ये जो डाटा सेव है वो मतलब सेव नहीं रहेगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो मुझे तभी तुरंत ही करना है, तो कोई इसके लिए मुझे इशू नहीं है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, जब यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे दो चीज़ मांगा जाएगा, इंटर आधार नंबर और इंटर VID नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर है तो बेहतर होगा कि आप आधार नंबर ही यहाँ पे टाइप करें, और यहाँ पे आधार नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट में आपको आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार नंबर क्लिक करने के बाद आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपके फ़ोन पर OTP आएगा, जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आप उस OTP को लिंक करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर लिया है, मुझे OTP भी रिसीव होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे OTP टाइप कर लूँगा। थोड़ी कभी कभी आधार कार्ड को आपको OTP का टाइम लगा जाता है कि मेरा आधार कार्ड को OTP आ चुका है, तो मैं अपना ये OTP डाल देता हूँ। और OTP डालने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे, सबमिट करेंगे। आपसे इसके बाद आपको मांगा जाएगा पैन कार्ड का नंबर डिटेल्स, ठीक है। तो पैन कार्ड का डिटेल्स पहले तो आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा, आप टाइटल जो भी लिखते हैं, आप मिस्टर्स हैं या जो चीज़ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे ये आधार कार्ड में ऑटोमेटिक मिस्टर है तो मिस्टर सेलेक्ट कर ले लिया, और नाम जो भी है नाम आ गया, जेंडर्स ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लेता है, डेट ऑफ बर्थ भी ये ऑटोमेटिक ले लेता है। आप इसे इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो भी डिटेल्स होगा ये आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्स है या सब डिस्ट्रिक्स आपको सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लेगा। सब डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक होगा या तालुका उसे सब डिस्ट्रिक्ट ही बोलते हैं। ओके, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर। उसके बाद जो भी आपका विलेज और टाउन होगा आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे।
आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आप सेकेंड स्टेप में आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पर पैन नंबर इंटर कर लीजिए। जैसे यहाँ पैन नंबर ऐड करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो आधार कार्ड का फोटो है यहाँ पर दिख जाएगा, आप इसे नेक्स्ट करेंगे, आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर थर्ड स्टेप है, आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाती है कि आपने कहाँ तक स्टडी की है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है जो भी, आपने ग्रेजुएशन 10th या 12th कर रखा है, या फिर आपने सिर्फ 8th पास है 5th पास है, तो आप जो भी, आप 10th से नीचे जो भी है तो आप बिलो SSC के लिए करेंगे। आप 10th 12th पास है तो SSC HSC करेंगे। तो जिसका मैं अभी अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 12th पास है, तो यहाँ पे से मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया जाएगा मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस में जो भी होगा आपका, तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे मैरिड या अनमैरिड है, तो ये अनमैरिड है, ओके। जैसे इसमें आपको नेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं क्लिक करना, क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स मांगा जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ एप्लीकेंट, तो आप किस सिटी या आप यहाँ पे आप गांव का नाम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आप अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं, बेहतर होगा आप अपने सिटी का नाम लिखें। तो मैं यहाँ पर सिटी का नाम डाल दिया। अगर आपका कोई मेडन नेम है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई नहीं, फादर्स नेम आप डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फादर्स नेम ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लेता है, फिर भी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है, तो आप एक बार फिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर लिया। आप नेक्स्ट या मदर्स नेम है, मदर्स नेम भी आप सिलेक्ट करके भर लीजिएगा। अगर आपके स्पाउस नेम में, मतलब आप अगर मैरिड है तो तभी आपको स्पाउस नेम भरना है, ये कंपलसरी नहीं है। तो मैंने अपने फादर्स नेम और मदर्स नेम डाल लिया और नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा कि आप कौन से सर्विस करते हैं, या अदर्स है या बिजनेस है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अदर्स सेलेक्ट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। अगर बिजनेस मैन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे अदर्स अगर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे कि जो अदर्स में कौन कौन से है, मेडिकल प्रोफेशनल है, लीगल प्रोफेशनल है, CA है, टैक्सेशन है, फाइनेंस है, क्या इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, आप रिटायर्ड पर्सन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है। तो ये जो अभी अकाउंट मैं ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट है, तो हम स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा एनुअल इनकम, तो आप 250 लाख कर लीजिए, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अंडर टैक्सेशन आता है, इस पर कोई टैक्स नहीं होता। तो 2,50,000 कर लेते हैं, डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। आपसे रिलीजन पूछा जाएगा, आप रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, और आपको रिलीजन सेलेक्ट करने का नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली लेगा आपसे। उसके बाद कैटेगरी पूछा जाएगा, कैटेगरी पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक नेक्स्ट हो जाएगा। आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, आप फोर्थ स्टेप पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर आपसे नॉमिनी डिटेल्स पूछा जाएगा, नॉमिनी डिटेल्स को फिल कर लीजिए, और नॉमिनी डिटेल्स को जैसे फिल करेंगे आपको फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप जब नॉमिनी डिटेल्स फिल कर लेंगे, तो अगर यहाँ पे कोई माइनर्स है, तो यहाँ पे अगर माइनर्स होगा तो यहाँ पे गार्जियन नेम डालना पड़ता है, लेकिन ये जो मैं अभी नॉमिनी डाल रहा हूँ वो माइनर्स नहीं है, तो ये मुझे डालना कंपलसरी नहीं है। अगर माइनर होता है तो ये दोनों हमारे नीचे वाले जो दोनों कॉलम है ये कंपलसरी होता, तो मैं अभी इसे फिल करने के बाद नेक्स्ट करूँगा। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आप यहाँ पर एड्रेस फिल करके और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ, आप पिन कोड फिल कर लेंगे। पिन कोड फिल करने के बाद आपका स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट लेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे लोकेलिटी, फोर्थ स्टेट अपना कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे लोकेलिटी मतलब होम ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको कौन सा ब्रांच है वो ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ब्रांच अगर पता है तो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं आप। यहाँ पे ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी ब्रांच आप चूज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ब्रांच नाम दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैं अपना ब्रांच का नाम टाइप करता हूँ, मेरे ब्रांच का नाम आ रहा है या नहीं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रहा है सिलेक्ट करने का, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया हूँ, देखता हूँ है या नहीं मेरे। ये पटना का सब आ रहा है, मोतिहारी का नहीं है, पटना का है ये, लखनऊ आ रहे हैं, बिहार। मैं एक बार पिन कोड टाइप करके देखता हूँ, कहीं पिन कोड से आ जाए या फिर IFSC कोड से। आपको जो भी आपके ब्रांच का नाम पता है उस चीज़ से आप सर्च कर सकते हैं, अगर नाम से आपको मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं तो आप पिन कोड से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो भी IFSC कोड है बैंक का उस चीज़ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं एक बार IFSC कोड से सर्च करके देखता हूँ यहाँ पे।
देख सकते हैं कि मेरा जो ब्रांच है वहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे आप जो भी आपका ब्रांच है वो आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपका फिफ्थ स्टेप मतलब कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पे जो भी कंडीशन है उसे आप रीड करेंगे, रीड करना तो रीड कर लीजिए, या नहीं तो आप यहाँ पे जो आई एफ टर्म्स एंड कंडीशन है आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, शायद ये क्लिक नहीं करने दे रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर क्लिक करने दिया तो बेहतर है। नहीं क्लिक करने दे रहा है, तो आप इसे पूरा एक बार जब तक नीचे स्क्रॉल नहीं कर लेंगे तब तक ये क्लिक नहीं करने दे रहा। तो मैं इसे एक बार पूरा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पूरा स्क्रॉल कर चुका हूँ, अब मैं क्लिक करके देखता हूँ। अभी क्लिक हो चुका है, अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ओके, OTP आपको फ़ोन पे के आएगा, जब आप ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे तो आप OTP यहाँ पे ऐड कर देंगे, जब जो भी OTP आपके फ़ोन पे आया होगा। ओके, अभी मुझे OTP रिसीव नहीं हुआ है। हाँ, अभी OTP आ चुका है, तो आप इसी OTP को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं OTP देख लिया, 8672 08। ओके, अब OTP डालने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। आपका फिफ्थ स्टेप पे आप इससे ये पूछा जा रहा है कि डेबिट कार्ड पे आप नाम क्या डालना चाहेंगे। तो जो भी आप डेबिट कार्ड पे नाम ऐड करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, बट मेरे को जो आधार कार्ड में नेम है वही चाहिए, तो उसे मैं अभी नेक्स्ट करूँगा। ये आपका टोकन नंबर जनरेट हो चुका है, ठीक है, वीडियो KYC के लिए। अब इस टोकन नंबर को आप ध्यान से रख लें, ये टोकन नंबर आपको बहुत ही काम आएगा। विदाउट इस टोकन नंबर के आप KYC नहीं कर सकते हैं, तो या तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप एक तरफ आप नोट नोट कर ले कहीं पे। तो मैं इसे अभी स्क्रीनशॉट भी ले लिया और नोट भी कर लिया, तो मैं अभी नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अब इसमें आपको वीडियो KYC के जो भी प्रोसेस है यहाँ पे प्रोसेस बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको ये दिखा जा रहा है कि आप जो नीचे लिखा हुआ है वीडियो KYC, यहाँ पे देखिए स्टार्ट शेड्यूल वीडियो कॉल, तो आप इस पर स्टार्ट करके क्लिक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या क्या, पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। इसको सबसे इसमें पहले बताया गया है फर्स्ट स्टेप कि आपका स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और GPS ऑन होना चाहिए, यानी आपके डिवाइस का जो लोकेशन है वो ऑन होना चाहिए। सेकेंड दिख रहा है कि इसमें टू इनेबल कैमरा माइक्रोफोन लोकेशन एक्सेस फॉर योर डिवाइस, तो आपके अपने आपके कैमरे के जो माइक्रोफोन है, लोकेशन है, ये सब ऑन होना चाहिए डिवाइस के साथ। साथ ही ये पूछ रहा है, थर्ड नंबर में बता रहा है कि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए आपके साथ में, जो आपको फोटो में शो ऑफ करना पड़ेगा। मैं दिखा दूंगा अगर वीडियो में, प्रयास करूंगा दिखाने की कैसे करना है। थर्ड है इसमें, सॉरी फोर्थ है, सेट क्रोम ब्राउजर एज योर डिफॉल्ट ब्राउजर फॉर द वीडियो कॉल। वीडियो कॉल के लिए इसमें ये बताया जा रहा है कि आप डिफॉल्ट ब्राउजर कर दे क्रोम। क्या होता है कि कभी कभी किसी फ़ोन में जो फ़ोन का इनबिल्ट ब्राउजर्स होते हैं, लाइक सैमसंग का होगा तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, या फिर बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो फ़ोन में डिफ़ॉल्ट होते हैं, जैसे ओपेरा वगैरह बहुत सारे फ़ोन में दे दिए जाते हैं। तो आप अपने फ़ोन का आप सेटिंग पहले क्रोम में डिफ़ॉल्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर है क्वाइट प्लेस, यानी अवॉइड डिस्टर्बेंस, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसा भी है कि आप जैसे वीडियो KYC कर रहे हो तो बेहतर होगा कि आप अकेला रहे। क्या होता है ना कि जब आप बहुत सारे वीडियो कॉल करते रहते हैं तो कहीं पे कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं पीछे से, हेलो क्या कर रहे हो, तो इस तरह के नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट शेड्यूल एंड वीडियो कॉल पे। यहाँ पे दिख बोल रहा है यू विल बी डायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी वेबसाइट फॉर द कंप्लीशन ऑफ वीडियो KYC, आपको क्रोम पे ये लेकर चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको लेकर जाया जाएगा। आप ओके करो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपके क्रोम में ऑटोमेटिक ये डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक क्रोम डिफॉल्ट कर रखा है, तो यहाँ पे ओपन हो गया क्रोम में। यहाँ से आपसे यहाँ पे स्टार्ट जर्नी मांगा जा रहा है, तो जैसे ही आप स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि ओरिजिनल पैन कार्ड, यस, ठीक है, यहाँ पे रेडी हो वो दिख रहा है, तो आई एम रेडी लिख कीजिएगा यहाँ पे। होल्ड ऑन करना है, आपका एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर लिया है। ये परमिशन नहीं दे रहा था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे परमिशन नहीं मैंने मुझे हटाना पड़ा है इस वीडियो में।
तो आप इस तरह से जब आप शेड्यूल एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उस 15 मिनट में आपको जो भी एसबीआई के एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपको कॉल रिसीव कर लेंगे। तो मैं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि जब भी ये एग्जीक्यूटिव अगर कॉल रिसीव कर लेते तो किस तरह से बात होंगे। ठीक है, जो भी एसबीआई के एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने मुझसे कॉल पे बात की, और कॉल पे बात करने के बाद उन्होंने नाम पूछा और एक ओटीपी था, वो ओटीपी मुझसे मांगा गया। ओटीपी मेरे वीडियो के नीचे रहता है, आपके वीडियो के नीचे होगा ओटीपी, आप ओटीपी उसे उन्हें देंगे। उसके बाद आपको पैन कार्ड का फोटो मांगा जाएगा। ठीक है, तो आपके जो आपके फ़ोन का जो कैमरा है ऑटोमेटिक वो बैक साइड ओपन हो जाएगा, तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है बैक साइड से। ठीक है, और आपको एक फ़ोटो क्लिक किया जाता है, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आपका एड्रेस है वो पूछा जाता है। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आपके जो भी अकाउंट है, आपको वीडियो के वैसे कंप्लीट हो जाने के बाद आपके अकाउंट सॉरी आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दिया जाएगा यूजर आईडी पासवर्ड। उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप अपने योनो का लॉग इन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ठीक है, और योनो एसबीआई को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे दिखाएगा यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर न्यू टू। तो अभी आपको न्यू टू कस्टमर ना क्लिक करके आपको एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर करना है। जैसे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर क्लिक करेंगे तो आपको सिम नंबर पूछा जाएगा, जो भी आपने अकाउंट में अभी मोबाइल नंबर दिया था वही उस कौन से नंबर में, एक स्लॉट वन में या स्लॉट टू में आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं स्लॉट टू अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मेरे स्लॉट टू में सिम लगा हुआ है। उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इस 1 मिनट में आपका जो सिम वेरीफिकेशन है वो वेरीफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो आपको यूजर आईडी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया होगा वीडियो के वाईसी कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, और पासवर्ड वो होगा जो आपने फर्स्ट टाइम आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड होगा। तो यहाँ भी आप यहाँ पे प्रोसीड करना है आपको। प्रोसीड करने के बाद जो भी आपको मैसेज के थ्रू आपको अभी यूजर आईडी मिला होगा, आप उस यूजर आईडी को यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो मैंने ये यूजर आईडी प्रेस कर लिया है। ये परमानेंट यूजर आईडी नहीं होता, इसी आपको चेंज करना पड़ेगा लॉगिन करने के बाद। ठीक है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड को फिल कर लेंगे और आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। रेफरल कोड ऑप्शनल होता है, इसको को डालने के कंपलसरी नहीं है। तो आप सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद आपको इंटर ओटीपी आपको मैसेज आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। ओके, तो मैं ओटीपी का भी वेट कर रहा हूँ। ओटीपी जैसे ही आता है मैं ओटीपी डाल दूंगा। ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है, तो आप ओटीपी को प्रेस कर सकते हैं। मैंने ओटीपी डाल दिया, अब आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कांस्टेंट एम पिन क्रिएट करना होता है, जो 6 डिजिट का होता है। ठीक है, उस एम पिन के थ्रू आप योनो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप एम पिन क्रिएट कर लीजिए। आप थोड़ा नेट स्लो हो सकता है मेरा, या फिर ऐप्स भी कभी कभी स्लो काम करती है एसबीआई की, तो हम इसे लिए वेट कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे एम पिन का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे 6 डिजिट का एम पिन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप 6 डिजिट का एम पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं 6 डिजिट का एम पिन अभी यहाँ पर दोनों में क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर डालने पिन डालने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक पर बोल रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देख सकते हैं मेरा यहाँ अकाउंट ओपन हो चुका है। आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, आपको कोई भी अभी यूजर नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप जब लैपटॉप पे हो सके लॉगिन करें तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये कुछ आपको गाइड्स हैं, तो आप इसके थ्रू आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शन है इसके जैसे यहाँ रिवार्ड्स है, इससे पहले वेरेबल हाउ मतलब वॉच था। तो आपको अकाउंट नंबर मिल चुका है, आप अपना अकाउंट नंबर आपको मैसेज में जो दिखा होगा, अगर पूरा नहीं दिख रहा तो आप इस पर क्लिक करके अकाउंट्स पर आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर शो कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, ये अभी कुछ टाइम के लिए बता रहा है कि अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तुरंत का तुरंत अकाउंट ऑप्शन, जैसे कि आपको वहाँ पे दिखा था लास्ट में जो अकाउंट नंबर था, जो मेरे मैसेज में भी लास्ट फोर डिजिट ही दिख रहा था, और यहाँ पे भी मुझे लास्ट 4 डिजिट ही दिख रहा है। तो ये अभी तुरंत का तुरंत सॉरी यहाँ पे है ऑप्शन। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर मेरा यहाँ शो हो चुका है। इस पर आप अपना अकाउंट नंबर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको दोस्तों को प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।